तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जिसको तू अपना कहता है, ये न तेरे अपने हैं, तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं। जिसको तू अपना कहता है, ये न तेरे अपने हैं, तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं। टूटेगा जब सपना तेरा, टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। बात थोड़ा ज्यादा कम कर दो, इसको कम करेंगे फिर जो छनक ज्यादा नहीं। ऐसे आवाज कम करिए, आवाज ठीक ठीक है। जब से जग को अपना समझा, तब से रब को भूल गया, जन्मों से तू आत रहा, हर बार गर्भ में सूल गया। जब से जग को अपना समझा, तब से रब को भूल गया, जन्मों से तू आत रहा, हर बार गर्भ में सूल गया। अभी वक्त है सुन ले बंदे, अभी वक्त है सुन ले बंदे, बाद में फिर पछताएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। बचपन तेरा बीत गया और जाति तेरी जवानी है, ये जीवन तो कल कल बहता, एक नदिया का पानी है। बचपन तेरा बीत गया और जाति तेरी जवानी है, ये जीवन
जीवन तो कल कल बहता एक नदिया का पानी है। हाथ गुरु का थाम ले वरना, हाथ गुरु का थाम ले वरना बीज भंवर डूब जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। बह जाएगा लख चौरासी जिसने गुरु को पाया है। बड़ भागी है गुरु संग जिसने जीवन सफल बनाया है। बह जाएगा लख चौरासी जिसने गुरु को पाया है। बड़ भागी है गुरु संग जिसने जीवन सफल बनाया है। गुरु चरणों से प्रीति कर ले, गुरु चरणों से प्रीति कर ले, अंत गुरु में समाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता सदा सदा सो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। बोले सद्गुरुदेव की जय। अभी भजन सुन किए कि जीवन एक दिन ऐसा आएगा। इस जगत से नाता सब तोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया का संबंध जब तक है आदमी को लगते हैं यही सत्य है, सदा काल के लिए हम इस दुनिया में रहेंगे। और सदा काल जितने भी लोग बीच में हैं वे है सब हमारे साथ रहेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा समय आ जाता है हमको पता नहीं चलता है समय कब बीत जाता है, लेकिन इस दुनिया से नाता तोड़ करके चला जाना पड़ता है। जितने भी हम धन कमाए हो, रुपये कमाए हो, मकान बनाए हो, परिवार बनाए हो, जो भी हम लोग के बीच में रहते हैं वे सबको छोड़ करके एक दिन इस संसार से विदा हो जाते हैं। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन काल है उस जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए ये महत्वपूर्ण होता है। आए ऐसे ही विचारों को आगे सुनेंगे। लेकिन हम लोग के बीच हमारे साथी श्री उमेंद्र साहब जी विराजमान हैं, उनसे भी भजन श्रवण करें। मैं निवेदन करता हूं संत उमेंद्र साहब जी से कि आप भी इस अवसर पर भजन, हम सबको भजन से लाभान्वित करें। संत उमेंद्र साहब राम साहब जी आप मंच पर आए। राम साहब हेलो। हेलो हेलो हेलो
बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य साहेब जी, वंदनीय संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों, माताओं, आप सबके बीच साहेब जी के आज्ञा अनुसार एक भजन प्रस्तुत है। भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, सत्संग तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो, दर्श करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे, सेवा तुम कर नहीं पाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो, सेवा करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैरों से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। पैरों से लंगड़े हो जाओगे, सत्संग में जा नहीं पाओगे। तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे। तीर्थ करो, सत्संग करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कानों से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कानों से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो, भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। अभी सब भजन गा रहे थे, श्री उपेंद्र साहब द्वारा सुन रहे थे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जो मानव को जीवन हमें मिला हुआ है, जन्म हमारे हाथ में नहीं है और मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन काल है वो हमारे हाथ में है। उस जीवन में, उस जीवन काल को हम कैसे जीते हैं, हम कैसे उसका सदुपयोग करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। क्योंकि आज ये मानव जीवन को कहा जाता है कि सर्वोत्तम, जितने भी जीव है इस संसार में, उन सभी जीवों से जो मानव जीवन क्या है, सबसे उत्तम माना गया है। क्योंकि इसमें सोचने समझने विचार करने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, भावनाओं को प्रदर्शन करने की शक्ति है, भावनाओं को हम व्यक्त कर सकते हैं और अपने जो कमजोरियां हैं उसको भी हम जान सकते हैं। ये मानव में एक गुण है, लेकिन आदमी कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को लेकर के भी पीछे रह जाते हैं। हम अपने जीवन में भजन नहीं कर पाते, भक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो जीवन मिला हुआ है। आज मैं तीन बातों पर चर्चा करूंगा। पहली बात है भक्ति, भक्ति, और दूसरी है ज्ञान, और तीसरा है वैराग्य। हम भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हम भक्ति कैसे करते हैं, भक्ति किसको कहें, भक्ति कैसे करना चाहिए। भक्ति आज मान ले हैं, भक्ति का अर्थ होता है समर्पण, विनम्रता। लेकिन ये भी हमारे जीवन में यदि सरलता नहीं है, विनम्रता नहीं आती है, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हमें भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। भक्ति का अनेक लोगों ने स्रोत बनाए हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, दिया जला देते हैं और घुमा लेते हैं और समझते क्या है कि हम भक्ति कर रहे हैं। मंदिर में जाते हैं, ढोल बजा करके भजन गाते हैं, ये भी एक भक्ति का स्वरूप है। ये भक्ति का क्या है, प्रथम रूप है। और क्या समझते हैं लोग, यज्ञ हवन, तीर्थों यज्ञ हवन करा करके कुछ अनुष्ठान करते हैं, उसको भी लोग भक्ति का रूप माने हैं। और आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जो तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में स्नान करना, तीर्थों में जाकर किसी देवी देवताओं का दर्शन करना, ये भी भक्ति का रूप माना गया है। लेकिन विचार करें, भक्ति का मतलब है कि हमारे अंदर में जो कमजोरियां है, हमारे अंदर जो हमारे मन के अंदर में जो विकार है वो दूर होना चाहिए, तभी तो भक्ति की सफलता है। यदि आप मंदिर जाते हैं, किसी देवालय में जाते हैं, तो इसका अर्थ होना चाहिए आपके अंदर में जो विकार है, आपके मन में जो कलिमस है, वो दूर होना चाहिए।
लेकिन यदि हम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और वहां जा करके भी हमारा मन निर्मल नहीं होता है, हमारे मन के जो काम क्रोध लोभ मोह आदि जो विकार है वे दूर नहीं होता है, तो फिर मंदिर में जाने से हमारा भक्ति सफल नहीं कहला सकता है, वो असली भक्ति नहीं कहलाया जाएगा। और लोग और क्या भक्ति करते हैं, गंगा आदि नदियों पर जाकर के स्नान करके मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हम गंगा में जाएं और डुबकी लगा ले नहा ले तो हमारा मन हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ये हमें हमें सिखाया गया, हमें ही बताया गया है। लेकिन गंगा में हम स्नान करने जाते हैं तो गंगा में पानी से हमारा क्या धुलता है, शरीर धुलेगा, शरीर धुलता है ना, और मन पाप कहाँ लगा हुआ है, मन में लगा हुआ है, तो जो गंगा के पानी से हमारा शरीर पवित्र हो सकता है, शरीर शुद्ध हो सकता है, साफ हो सकता है, लेकिन जो मन में पाप है वो गंगा के पानी से गंगा के पानी में डुबकी लगाने से साफ होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्वयं साधना करना होगा, ज्ञान आपके जीवन में लाना होगा, तभी तो आपका मन निर्मल हो पाएगा। लेकिन ऐसे ही जो बाहरी भक्ति हमें जो बताए गए हैं लोगों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, उसको हम करते करते हमारे जीवन बीतते चला जा रहा है। लेकिन आज हमारे मन में जो विकार है, हमारे जो अंदर में जो बुराइयां है, वो बुराइयां आज दूर हो नहीं हो पा रहा है। इसलिए आवश्यकता है असली भक्ति करने की। सतगुरु कबीर क्या कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन में जो तरंगे हैं, तरंगे उड़ती है, उन तरंगों को हमें मारना होगा। ये तरंगे कैसे उड़ती है, कहीं हमें कोई व्यक्ति हमारे मन की प्रतिकूल बात कर दिया, हमारे मन की अनुकूल बात नहीं किया, तो हम उसको ऊपर भभक जाते हैं, कई अब शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, ये क्या, ये तरंगे हैं मन, उन तरंगों को शांत करना होगा। आपके परिवार में, आपके घर में आपके माँ बाप रहते हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, जितने भी आप घर के सदस्य हैं, उन घर के सदस्यों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, आपका बर्ताव कैसा है। यदि आप सत्संग में जाते हैं, यदि आप मंदिर में जाते हैं, यदि आप तीर्थ स्नानों स्नान करने के लिए जाते हैं, यदि आप धार्मिक चोंगा पहने हुए हैं और यदि आपके मन साफ नहीं है, आपकी जुबान साफ नहीं है, जो आपके पास में, आपके पड़ोस में, आपके घर में रहने वाले लोगों के प्रति आपके मन, आपके मुंह से आग आग निकलता है, तो फिर आपकी भक्ति सफल नहीं कहलाएगी। क्योंकि भक्ति का अर्थ होता है शांत रहना, निर्मल बनना। लेकिन हमें जब कोई व्यक्ति चाहे बहू को सास ने या सास ने बहू को कुछ थोड़े प्रतिकूल काम कर दिया या प्रतिकूल बात कर दिया, तो थोड़े में हम क्या कर जाते हैं, अब शब्दों को प्रयोग कर जाते हैं और उनके प्रति घृणा का भाव हम अपने मन में बैठा लेते हैं। यदि आप परिवार में प्रेम की बोली नहीं बोलेंगे, यदि आप परिवार में एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रेम नहीं रखेंगे, तो फिर ये आपकी जीवन भक्तियों की ओर नहीं है, आपका जीवन सफल नहीं हो पाएगा। आप भक्ति करने का मतलब है, आप कहीं धार्मिक कहलाते हैं, इसका मतलब है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, आपके वाणी में परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि कहा गया है जो रहे करवा सो निकले टोटी, जैसे करवा में, जैसे कोई करवा होता है ना, टोटी वाला घड़ा होता है, उसमें जो आप भरेंगे, पानी भरेंगे तो पानी निकलेगा, दूध भरेंगे तो दूध निकलेगा, घी भरेंगे तो घी निकलेगा, ऐसे ही हमारे मन में हम जो घृणा भरेंगे तो घृणा निकलेगा और क्रोध भरेंगे तो फिर क्रोध निकलेगा और प्रेम भरेंगे तो प्रेम निकलेगा। इसलिए आवश्यकता है सज्जनों, हम अपने अंदर प्रेम को लाए, प्रेम का संचार करें। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं रहेगा तो फिर हमारा जीवन दुखमय बीतेगा।
क्योंकि हम सामने वाले से चाहते क्या है, सामने वाले से यही चाहते हैं ना कि हमसे मीठी वाणी का प्रयोग करे, हमसे प्रेम करे, मुझ पर विश्वास रखे। हम पत्नी पर चाहते हैं कि हमें प्रेम करे, पति चाहते हैं पत्नी हमको प्रेम करे, माँ बाप चाहते हैं कि बेटा हमको प्रेम करे। तो प्रेम की परिभाषा को पहले समझे, प्रेम का मतलब होता क्या है और प्रेम कैसे करे। यदि घर में जितने भी सदस्य हैं प्रेम करते हैं, इसका मतलब उनकी गलतियों को आप क्षमा कर देते हैं। प्रेम करते हैं इसका मतलब आप उनसे अच्छे बर्ताव करते हैं। प्रेम का मतलब ही है जिससे हम प्रेम करते हैं, चाहे पत्नी से हो, चाहे बच्चे से हो, चाहे सास ससुर से, जितने लोग हैं परिवार के सदस्य, उनसे यदि आप प्रेम करते हैं तो केवल जुबान से मैं प्रेम करता हूँ इतने कहने मात्र से प्रेम हो नहीं जाएगा, बल्कि आपके जीवन में वो दिखना चाहिए। यदि बहू कहीं गलती करता है, कहीं बेटे गलती कर देता है, तो उनकी गलतियों को हम अंदर से हमें क्षमा के भाव पैदा होना चाहिए। यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में क्षमा का भाव उत्पन्न होगा, और यदि प्रेम नहीं है तो फिर उनकी गलतियों को देख करके हम क्या करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, द्वेष का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए चाहिए कि हमें प्रेम पैदा, हम प्रेम पैदा करें। जैसे आप खेत में जो फसल बोते हैं, गेहूं बोते हैं तो गेहूं का फसल काटते हैं, धान बोते हैं तो धान का फसल काटते हैं, मक्का लगाते हैं तो मक्का का फसल काटते हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन में बोते हैं प्रेम को, उस प्रेम को कहां पर दूसरे के जीवन में बोते हैं। आप यदि दूसरे को प्रेम नहीं देंगे तो आप प्रेम नहीं पा पाएंगे, क्योंकि यदि हम दूसरे के प्रति घृणा रखते हैं तो सामने वाले भी हमारे प्रति घृणा का ही भाव रखेगा, प्रेम का भाव नहीं रख पाएगा। सास बहू में अगर प्रेम नहीं होगा तो माँ बेटी का संबंध नहीं बन पाएगा। लेकिन अधिकतम होता क्या है, यही होते हैं सास बहू में झगड़ा होते हैं, लेकिन कहा जाता है कहानी, घटना हो या कहानी हो, एक घर में सास और बहू दोनों रहते थे। सास ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सीधी साधी थी। बहू आई थी नई नई, नई नवेली बहू आई थी। आजकल पढ़ी लिखी बहू आती है स्टूडेंट, तो जब आई अपने ससुराल मायके, ससुराल आई मायके से, तो कुछ दिन बीता तो हर बात में जैसे उनके बहू जरा भी कुछ कहती वो थोड़ी बात में नाराज हो जाते, उसको प्रेम नहीं था। और धीरे धीरे क्या हुआ, इतना उन दोनों में कटुता बढ़ गया, इतना कटुता बढ़ गया, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, भोजन परोसना भी नहीं चाहते, इतनी कटुता बढ़ गई। एक दिन उन बहू के मन में विचार आया, ये सास अगर मर जाती, इस संसार से विदा हो जाती, तो इनसे झंझट से मेरा कम से कम दूर हो जाता, मुझे शांति मिल जाती। अब ये विचार उसके मन में आया और वो क्या किया, उन्होंने अपने पिता के पास गया, अपने मायके चले गए पिता के पास और कहा, पिताजी मेरे सास जो है बहुत लड़ाकू है, हर बात में चिल्लाती रहती है, हर बात में मुझे टोकते रहती है, वो ऐसे कोई दवा दे दीजिए जिससे मेरे सास इस दुनिया से चले जाए। उनका उनका पिता जो बहू का पिताजी था वो वैद्य था, उन समझ गया, उनने कहा ठीक है यदि तुम यही चाहती हो, देखो बेटी ऐसे करना, कोई जहर न दे देना, धीरे धीरे स्लो पॉइजन देंगे उसको। तो उनके पिताजी ने क्या किया, एक महीने के लिए 30 पुड़िया बना दिया और कहा कि बेटी इसको चाय के जो पुड़िया, चाय एक एक पुड़िया को चाय में मिला मिला करके एक एक दिन देते जाना, तो एक महीने में धीरे धीरे वो बीमार पड़ गए, मर जाएगी और फिर आपके ऊपर कोई आँच नहीं आएगा, कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। तो वो जो बहू है वो 30 पुड़िया को लेकर के फिर अपने ससुराल आई और धीरे धीरे, और उनके पिताजी ने एक बात और कहा कि जब आपके सास आपकी बातों को कहीं प्रत्युत्तर दे, या कुछ गाली दे या कुछ भी कहें, तो आप जुबान मत खोलना, चुप रहना,
क्योंकि उस दिन में ही आपके सास इस दुनिया से चले जाएगी, उसके बाद तो आपको अकेले ही रहना है। इसलिए कुछ दिन के लिए आप क्या करना, जब भी आपके सास कुछ बात कहे तो आप चुप रहना, उसको प्रत्युत्तर न देना। अब ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, बहू चाय के साथ सुबह सुबह एक एक पूड़िया डाल के देती रही, और उनकी सास धीरे धीरे क्या करते रहे। अब वो बहू को वो गाली देना बंद, ये जो बहू थी क्या करी, धीरे धीरे उनकी सेवा करने लगी, गरम गरम भोजन देने लगी। जब वो नहा लेती तो फिर उनके कपड़े भी धो देती, नहाने के लिए गरम पानी रख देती। ऐसे धीरे धीरे वो सेवक, और जब उनके बहू कुछ उनको उनके सास उस बहू को जब कुछ बोलती तो वो प्रत्युत्तर नहीं देते, वो चुप रहते सहज। धीरे धीरे ऐसे कुछ दिन बीता तो जब होता क्या है, सदगुरु कबीर ने भी कहा कि आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कहें कबीर न उलट लिए रही एक। यदि सामने वाला कोई गाली देता है और सामने वाले व्यक्ति अगर कोई प्रतिक्रिया न करे, कोई उत्तर न दे, तो गाली बढ़ता नहीं है, वो वहीं रुक जाता है। ऐसे ही सास उनको कुछ अपशब्द बोलती रही, कुछ उनके बातों को प्रतिक्रिया करते रहे, लेकिन बहू की ओर से कोई उसको प्रतिउत्तर नहीं मिला। धीरे धीरे क्या हुआ, सास के मन में भी हुआ कि जब से बहू मायके जा करके लौटी है तब से बहू कितना बदल गई है, वो तो प्रत्युत्तर भी नहीं देती है और झगड़ा भी नहीं करती है, अब कितना अच्छा सेवा भी करती है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सास के मन में उस बहू के प्रति प्रेम बढ़ते गया, उनके मन में भी अच्छी एक भावना आई कि बहू नहीं एक बेटी है। इस प्रकार के उनके मन परिवर्तन होने लगा धीरे धीरे, और इधर बहू के मन में धीरे धीरे सास के प्रति प्रेम बढ़ते गया, क्योंकि उनके सास में जो कर्कशापन थी वो भी वो छोड़ धीरे धीरे बंद होते कम होते गया, और दोनों में क्या हुआ, प्रेम बढ़ते गया, प्रेम बढ़ते गए एक दूसरे के प्रति। जब वो सामने वाले गाली नहीं दिया, अब सामने वाले प्रतिक्रिया नहीं किया, तो एक दूसरे के प्रति वो क्या हुआ, प्रेम बढ़ते गया। और एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे महीना दिन में इतना परिवर्तन हुआ कि वो सास बहू का जो संबंध था वो संबंध बेटी और माँ के रूप में बदल गए। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के प्रतिक्रिया नहीं किया, एक दूसरे को गाली गलौज नहीं दी, एक दूसरे की भावना अच्छी हो गई। जब वो क्या हुआ, एक दूसरे जब एक महीना बीतने के बाद दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि अब एक दूसरे के बिना सास और बहू, माँ और बेटी एक दूसरे के बिना अब रहना नहीं चाहते। अब वो बेटी के मन में, वो बहू के मन में बहुत पछतावा हुआ कि मैं तो इसको सुरो प्रायोजन दे रहा हूँ, अब मेरी सास एक महीने में चली जाएगी दुनिया से, अब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इनसे इतना अच्छी जो मेरी सास है, जो माँ के रूप में है, जो हर काम को हर देखभाल मेरी कर रही है, वो इस दुनिया से चली जाएगी। वो बहुत घबराई और बहुत पछतावा हुआ, और क्या किया, वो दौड़े 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 अपने पिताजी के पास, वैद्य के पास गया और कहा, अपने पिताजी के चरणों में गिर कर के कहा कि पिताजी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो आपने पिताजी माँ को मारने के लिए मेरी सास को सुरु पाईजन दिए थे, उसको कटाक्ष के लिए कोई दवा दीजिए, मेरी जो सास है वो सास नहीं, वो मेरी माँ है। पिताजी समझ गए, पिताजी ने कहा कि बेटी मैं जानता था ये तुम्हारी ही गलती थी, तुम्हारे कारण ही सारे व्यवहार बिगड़ा हुआ था, मैं जानता था, मैं उसको पाईजन नहीं दिया था, बल्कि मिश्री को पीस करके 30 पूड़िया बना करके आपको दी थी, ताकि वो इसी प्रकार से व्यवहार सुधर जाए। और क्या हुआ संबंध इससे, जब हम प्रतिक्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया में जब सामने वाले हमें कोई गाली गलौज देता है, सामने वाले जब हमें अपशब्द कहते हैं, यदि हम प्रतिक्रिया ना करें, सह लें, तो उसके परिणाम में हमें प्रेम मिलता है। तो मैं कह रहा था कि साथ में जब हमारे बीच हमारे परिवार के लोग हैं जिनसे हमें रात दिन उनके साथ रहना है, जिनके साथ रह करके हमें जीवन बिताना है, जिनके साथ रह करके हमें आगे की जिंदगी जीना है, उन लोगों के साथ में कटुता का व्यवहार करके हमें क्या मिलेगा। यदि उनसे यदि हम प्रेम करते हैं तो हमारा घर में शांति आती है, हमारे परिवार में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है। यदि हम ऐसे करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन भक्ति की ओर बढ़ रहा है।
भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप मंदिर में जाते हैं, माठा टेक लेते हैं और अगरबत्ती जला करके दिया जला करके आ जाते हैं और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप नदियों में गए, स्नान कर लिए और कुछ पूजा अर्चना कर लिए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि पंडितों को बुला लिए, यज्ञ हवन करा लिए और कुछ दान दक्षिणा कर लिए, ये भक्ति नहीं। भक्ति तो वो है लेकिन असली भक्ति है। सतगुरु कबीर कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। यही मन में जो तरंगे उड़ती है हमारे पास में रहने वाले लोगों के प्रति अविश्वास, धोखा, क्रोध, छल, इस तरंगों को मार लेना असली भक्ति है। इसी को असली भक्ति कहते हैं। हमारे जितने भी लोग हैं, जितने लोगों के हम संग साथ करते हैं, उन लोगों के साथ में प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। यही असली भक्ति है, यही भक्ति करना चाहिए। लेकिन असली भक्ति को छोड़ रखे के लोग क्या करते हैं, नकली भक्ति को लगे हुए हैं। वो भक्ति का शुरुआत पायदान है। जैसे आप घर के सीढ़ी में चढ़ करके एक सीढ़ी दूसरे सीढ़ी पर चढ़ते जाते हैं तब आप मंजिल पर पहुंचते हैं, ऐसे ही ये शुरुआत है। लेकिन वहीं में बैठे बैठे आप बिता नहीं सकते जीवन को। वहीं में बैठे बैठे आप अपने जीवन के काम को, भक्ति को वहीं समाप्त नहीं कर सकते। आगे बढ़ना है और साथ साथ अपने अपने अंदर ज्ञान को भी भरना है। पहली बात भक्ति और दूसरी बात ज्ञान। ज्ञान के अभाव में हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि असली ज्ञान हमें नहीं मिलेगा। ज्ञान की हम बातों को पढ़ते हैं, जैसे इस संसार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, जाते हैं पढ़ते हैं तो कहीं डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो इंजीनियर बनते हैं, वकालत की पढ़ाई करते हैं तो वकील बनते हैं। जिस क्षेत्र की पढ़ाई करते हैं उसके अनुरूप हमारा योग्यता बढ़ती जाती है। ऐसे ही यदि हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन हम ज्ञान की बातों को तो पढ़ते हैं लेकिन ज्ञान के अनुरूप हम आचरण नहीं कर पाते हैं। ज्ञान के अनुरूप हम अपने जीवन को नहीं बनाते हैं। लेकिन जिन शास्त्रों को, जिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम जिन गुरुजनों के पास जाते हैं, वे भी हमें भ्रम में फंसा देते हैं, वे भी हमें अज्ञान में ढकेल देते हैं। चाहे यदि अमुक पूजा करोगे तो तुम्हारा लाभ हो जाएगा, अमुक हवन करोगे तो तुम्हारा लाभ होगा, या कहीं ताबीज पहना देगा, मंत्र दे देगा, अमुक मंत्र पढ़ने से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ना जाने कैसे कैसे बातों को लेकर के गुरुजन हमें भटकाते रहते हैं। लेकिन मंत्र के बल पर आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। कहते हैं संतों की कहानी कहते हैं, एक माता जी, एक माँ रोज अपने घर में एक मंदिर रखी थी, मंदिर में पूजा करता था, पूजा करती रहती थी। और उनका एक छोटा सा बच्चा जो चार पाँच छः साल का था, वो बच्चा माँ के साथ में जाती भी थी, पूजा में बैठती थी, देखती थी, आँख बंद करके माँ जो मंत्र उच्चारण करती, जो भी पूजा अर्चना करती थी तो वो करते, रोज देखते थे। तो एक दिन बच्चे के मन में हुआ, माँ तू करती क्या हो? तो बच्चे ने पूछा माँ से, तुम करती क्या हो? कि कहते माँ कहती है कि मैं भगवान का आराधना करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, जिससे मेरा सारे काम भगवान बना देता है, सारे काम को मेरा सफल कर देता है। तो फिर बच्चे ने सुन लिया। अब बच्चा क्या किया, दूसरे दिन जैसे माँ बैठी थी वैसे रोज वो बच्चा क्या करता, वो भी बैठ करके मुंह में कुछ बोलता था। अब क्या बोलता था पता नहीं, मंत्र उच्चारण करता था, क्या बोलता था। माँ ने देखा बच्चे को, क्या अच्छा मेरा बच्चा भी मेरा अनुसरण कर रहा है, जिस पथ में मैं कर जा रहा हूँ उस पथ में भक्ति में लग गया छोटा सा बच्चा मेरा। माँ बहुत खुश। एक दिन बीता, दो दिन बीता, बच्चा वैसे ही मंत्र का जाप कर रहा था। तो एक दिन पूछा माँ ने, अच्छा बेटा तुम करते क्या हो बैठ करके? तो कहता है कि माँ मैं भगवान की पूजा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सारे बिगड़े काम बना दे,
बच्चा माँ से पूछता है कि भगवान सारे बिगड़े काम को बना देता है ना, सारे काम को सफल कर देता है ना, तो माँ कहती है बिल्कुल भगवान यही काम करता है। तो बच्चे ने कहा कि माँ मैं इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान से विनती कर रहा हूँ कि जो आज मैं पेपर दिलाया हूँ ना पांचवी क्लास में, उसमें आया था कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो मैंने उसको भारत की राजधानी लिख दिया हूँ, पटना लिख दिया हूँ, और भारत की राजधानी दिल्ली है। तो भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो पटना को काट करके दिल्ली बना दे, ताकि भारत की राजधानी दिल्ली है। तो माँ कहती है बेटा भगवान ऐसे काम नहीं कर पाएगा। तो कहने का मेरे कहानी कहने का मतलब ये है, जिस काम को पूरा करने के लिए हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, बिना कर्म के कुछ काम होने वाला नहीं है। वो हमारी भावनाएं हैं जो हम मंदिर में जाते हैं, वो हमारी भावनाएं हैं जो हम मस्जिद में या तीर्थों में जाते हैं, उससे हमारा मन शुद्ध होता है, हमारी भावनाएं ठीक होती है। लेकिन जो हम चाहते हैं असली भक्ति, वो काम नहीं हो पाता है। यदि आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, उसके बदले आपके मन में कुछ परिवर्तन आता है, यदि आप अपने मन को परिवर्तन करते हैं, तो निश्चित ही आपके मंदिर जाना, आपकी पूजा अर्चना करना, आपके तीर्थों में जाना, आपके नदियों में स्नान करना सफल है। और यदि आपके मन में पवित्रता नहीं आती है, आपके मन की जो गंदगियां दूर नहीं होती है, तो फिर ऐसे भक्ति से फिर काम चलने वाला नहीं है। इसलिए असली भक्ति करना है अपने मन को पवित्र बनाना, अपने मन को निर्मल बनाना, ये भक्ति करना असली भक्ति है। तो दूसरी बात मैं कह रहा था ज्ञान, ज्ञान के मान ज्ञान के मामले में हम भी भटक जाते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने के प्रयास हम गुरुजनों के पास जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में तीन बातें आती है, एक यथार्थ ज्ञान होता है, रोचक, भयानक और यथार्थ। इन शास्त्रों में तीन वाणियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, यथार्थ को छोड़, यथार्थ को हम भूल जाते हैं, रोचक में हम भूल जाते हैं, रोचक वाणियों को हम प्रयोग करने लग जाते हैं। रोचक जो सुनने कहने में अच्छा लगता है, जैसे हनुमान के लिए बात आती है, उस सूर्य को निगल गया, 13 लाख गुना बड़ा पृथ्वी से, कहते हैं 13 लाख गुना बड़ा आग का गोला, धड़कता हुआ आग का गोला है, वो हनुमान ने उसको निगल गया। एक कथा आती है, सुनने में कितना अच्छा लगता है, कितनी शक्तिशाली होगा, कितना बलवान होगा। और जब राम से मिलने के लिए चित्रकूट पर गए, भरत जा रहे थे, तब क्या हुआ, सूर्य एक महीने के लिए खड़ा हो गया, या पृथ्वी में जितने भी कंकड़ कांटे थे वो फूल में परिवर्तित हो गया। ये क्या है, भया रोचक, कहने में जो हमें अच्छे या सुनने में अच्छे लगते वो रोचक, उसमें हम क्या है, बड़े बड़े ऐसी कथाएं होती है, बड़ी बड़ी लीला की बात सुनते हैं हम, चाहे कृष्ण लीला हो, चाहे राम लीला हो, चाहे जितने भी हम लीला की बात सुनते हैं, वो कहने में सुनने में कितना अच्छा लगता है, ये रोचक, रोचक में हम भूल जाते हैं। और भयानक, भय दिया जाता है हमें कि अमुक चीज ना करो, अमुक काम करो तो तुम्हें भय होगा, अमुक मंत्र नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें हानि होगी, अमुक पूजा अर्चना नहीं करोगे तुम्हारे घर में अशांति आ जाएगी। ये सारी ऐसे थी बातें हम सुन सुन करके अपने जीवन में भर देते हैं, लगन मुहूर्त का बैठ के कहीं पंडितों के पास जाओ तो ताबीज बना देते हैं, नाना आदि किसी न किसी प्रकार के हम भ्रम भूत में फंस जाते हैं। तो ये भय हमें दिया जाता है, ऐसे काम करोगे तो वैसे हो जाएगा, यथार्थ ज्ञान की ओर हमारा दृष्टिकोण नहीं होता है, इसलिए हम भटकाव की ओर चले जाते हैं। इसलिए चाहिए असली भक्ति करें, अच्छे गुरु गुरुजनों के जो ज्ञानवान है, चरित्रवान है, जो रहनी संपन्न है, ऐसे गुरुजनों के पास जाने से हमें ज्ञान मिलेगा, यथार्थ बोध मिलेगा। यदि हम ऐसे संत गुरुजनों के पास खोज नहीं करेंगे तो हमें यथार्थ ज्ञान नहीं होगा,
इसलिए ज्ञानवान वैराग्यवान संतों के पास बैठ करके हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसलिए ज्ञान भक्ति और वैराग्य जब तक कि हमारे जीवन में आएगा नहीं तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। इसलिए इन तीनों चीज की आवश्यकता है। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए ज्ञान भक्ति वैराग्य को आगे बढ़े और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। आए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।